रविचंद्रन अश्विन अपने खेल को लेकर ही नहीं बल्कि मैदान में विवादों को लेकर भी चर्चाओं में खूब रहते हैं। अश्विन कभी खिलाड़ी तो कभी अंपायर से उलझते हुए अक्सर नजर आए हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में। मैच के तीसरे दिन शनिवार को अश्विन अंपायरों से भिड़ गए। इसका कारण रहा उनकी गेंदबाजी का फॉलो थ्रू। अश्विन ने इस मैच में राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वो टॉम लेथम को राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान अश्विन फॉलो थ्रू में सीधा न जाते हुए अंपायर के सामने से क्रॉस कर रहे थे। इससे मैदानी अंपायर नितिन मेनन को शिकायत हुई और नितिन मेनन ने इसको लेकर अश्विन से बात की। 77वें ओवर में मेनन ने अश्विन को पहली बार इसके लिए टोका और उनके फॉलो थ्रू को लेकर आगाह भी किया। अगले तीन ओवरों तक अंपायर और अश्विन के बीच इसी मसले पर बहस होती रही। विवाद बढ़ता देख कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी अंपायर से बातचीत करने आना पड़ा। प्रतीत होता है कि अंपायर को अश्विन से दो तरह की शिकायतें थी। पहली ये कि अश्विन शायद डेंजर एरिया में आ रहे हैं, लेकिन टीवी रिप्ले में ये साफ पता चल रहा था कि अश्विन बड़ी समझदारी से डेंजर एरिया में आने से पहले ही क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी शिकायत ये कि अश्विन के सामने आने से अंपायर को देखने में दिक्कत हो रही है और इससे उनका फैसला प्रभावित हो सकता है। अंपायर का ये तर्क रहा कि अश्विन फॉलो थ्रू में उनके सामने आ रहे हैं और ऐसे में वो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज को नहीं देख पा रहे हैं और किसी तरह की अपील होने पर फैसला देने में उन्हें परेशानी होगी, जबकि अश्विन की दलील थी कि अंपायर उन्हें गेंदबाजी से रोक रहे हैं। खैर, मामले को गंभीर होते देख कोच राहुल द्रविड़ ने सीधा जाकर मैच रेफरी जावगल श्रीनाथ से जाकर मुलाकात की। द्रविड़ और श्रीनाथ कुछ देर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अंपायर और अश्विन के बीच कोई बात नहीं होती दिखाई दी। आपको बता दें कि क्रिकेट पिच के सेंटर में यानी विकेट के ठीक सामने जो एरिया होता है वो डेंजर एरिया होता है। क्रिकेट नियमों के मुताबिक किसी भी गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू के दौरान यहाँ पर लैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर एरिया होता है और बल्लेबाजी के लिए जरूरी होता है। ऐसे में अंपायर की कोशिश यही रहती है कि ये खराब ना हो सके। बता दें कानपुर टेस्ट में अंपायरिंग काफी साधारण रही है। नितिन मेनन ने भी कुछ गलत फैसले दिए हैं। इसी के चलते अश्विन पहले से ही अंपायर से नाराज दिखाई दे रहे थे। अश्विन अपनी गेंद पर लेथम को LBW मिस करने को लेकर अंपायर नितिन मेनन से खफा थे। विवाद हुआ था उससे चार ओवर पहले उनकी एक गेंद सीधे फ्रंट पैड से जा टकराई थी। अश्विन ने जोरदार अपील की लेकिन नितिन मेनन ने लेथम को आउट नहीं दिया। भारत ने DRS भी नहीं लिया, लेकिन रिप्ले से पता चल रहा था कि गेंद पैड में लगने के बाद सीधे स्टंप से टकराई। ऐसे में अगर भारत रिव्यू ले लेता तो लेथम आउट होते। इसी वजह से ओवर के बाद अश्विन गुस्से में जमीन पर लात मारते दिखाई दिए थे। न्यूज़ तक ब्यूरो।